वीकली पर बात करें देन अगेन सेम स्टोरी वी कैन सी इज बिलो ऑल द इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस पाँच मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं जिस टू अंडरस्टैंड दाडे मूवमेंट्स तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फिफ्टीन फोर हंड्रेड का लेवल बनता है वहीं से निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ली है एंड इफ वी टॉक अबाउट सपोर्ट देन यू नो पहला सपोर्ट एक ये लेवल बन सकता है टू ट्वेंटी फाइव के आसपास का एंड देन क्लियरली ये जो हम लोग का आज लो बना है वन uh, एट्टी के आसपास का आई बिलीव फ्रॉम वॉट वी सॉ ऑन एन एस सीज वेबसाइट वो लेवल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्यों बिकॉज दैट इज एक्चुअली द न्यू स्विंग लो स्विंग लो एस एल गलत साउंड करता है ये सो लेट्स मंडे से पहले काफी सारी चीजें हैं जिसकी हम लोग डिस्कशन uh, करने वाले हैं निट सो डू स्टे टून फॉर दैट बट निफ्टी ओवरऑल कुछ ऐसा लग रहा है क्लियरली बैरिश है क्लियरली मोमेंटम बोलिश वाला लैक कर रहा है एंड वी आर नॉट रियली सींग इट डूंग वेल

दिस कैंडल राइट हियर क्योंकि निफ्टी में भी हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेलिंग हुआ एंड देन इट फाउंड सपोर्ट एंड वेंट अप एक्सेप्ट निफ्टी यहाँ पे या यहाँ पे थम गया था बट बैंक निफ्टी वॉज एबल टू सोल्जर ऑन और उसके बाद भी जो भी डिप्स आए थे उसको वो अच्छे से यू uh, नो you know, सहन कर पाया था वेर एज निफ्टी में हम लोग ने ये चीज़ नहीं देखी इनफैक्ट इवन द नेचर ऑफ द मूव एंड द साइज ऑफ द मूव इज़ वेरी डिफरेंट बैंक निफ्टी के ये और निफ्टी के ये सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बड़ा है निफ्टी इज़ अ लिटिल फ्लैटर दैट इज वॉट वी कैन आउट। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी के मूवर्स की देन दिस इज द लिस्ट रिलायंस और बजाज फाइनेंस ट्विंस आई सी आई सी आई बैंक एंड एच डी एफ सी बैंक ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स टी सी एस टाइटन एल एन टी ये सारे जो थे वो ड्रैक कर रहे थे आज बैंक निफ्टी की कहानी सिमिलर है आई सी आई सी आई एन एच डी एफ सी रियली सेट द टोन फॉर द मार्केट डे फॉर बैंक निफ्टी और उसके बाद हम देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ोडा एस बी आई ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया है अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मेरे नोट्स की then I'll just uh, switch to my notes वाला highlighter ink and here we can see उतना negative दिन नहीं था yesterday jitna par पर जो bias dekha देखा है वो अब तक है so i will still स्टिल uh, you know stand by that view banks held their ground fairly well और इसका कारण हो सकता है जो हम कुछ समय में बात करेंगे बट एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे बात करनी थी वो है कि सिक्सटीन फोर हंड्रेड एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पहले था इसका इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो चार्ट पे तो देख ही सकते हो बट इनफैक्ट इवन ऑन आर इन आर यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल आठ दिन पहले की लाइव स्ट्रीम जो थी दस दिन के पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग ने बात की थी कैसे हंड्रेड एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वेल नाउ छः परसेंट नीचे गिर गया है निफ्टी और थाउजेंड पॉइंट एंड नाउ द इम्पोर्टेंट रेजिटेंस स्टार्टेड फ्राम फिफ्टीन फोर हंड्रेड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चार्ट भी इंक्लूड कर लिया है अगेन इफ यू वॉन्ट दीज नोट्स दे आर अवेलेबल ऑन माई ट्विटर एंड ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी टैप प्लस टेलीग्राम पे भी है टेलीग्राम पे जिस सर्च स्टॉक मार्केट से किया है एन यूल फाइंड इट नाउ इंटरेस्टिंगली प्रीवियस क्लोज एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए बट फॉर बैंक निफ्टी इज इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट हम लोग देख सकते हैं दैट uh, जो टॉप मूवर्स थे रिलायंस बजाज फाइनेंस आई सी आई सी आई एन एच डी एफ सी बैंक और आई सी एच डी एफ सी के वजह से ही एक्चुअली बैंक निफ्टी ने अच्छा किया है अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स की तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिसने आउट परफॉर्म किया है बट हम देख सकते हैं कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे तीन फार्मा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑयल एंड गैस दीज थ्री सेक्टर्स वर एक्चुअली दी अंडर परफॉर्मर्स एंड आई विल जस्ट हाईलाइट दैट हियर एज वेल और हम देख सकते हैं कि कोई कोई है जो नॉन नेगेटिव थे बट देर वर नो आउट परफॉर्मर्स एज सच नाउ इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं दैट फिब लेवल अगर हम करते हैं एंड आई विल टेक यू बैक टू द चार्ट्स फॉर दिस अगर हम लोग एक फिब लेवल करते हैं फ्रॉम द ऑल टाइम हाई लेवल टू द रीसेंट स्विंग लो जो अभी तोड़ा था टू द रीसेंट पुल बैक हम देख सकते हैं दैट राइट नाउ प्राइस इज एग्जैक्टली वेयर यू नो द दनसेंट ले वन हंड्रेड परसेंट लेवल वुड बी इनफैक्ट अगर हम फाइव मिनट चार्ट देखते हैं तो आज का जो ये जो कैंडल बना था रिवर्सल वाला जिसने लो बनाया दैट इज एग्जैक्टली अराउंड दैट कैंडल इट सेल्फ सो दिस टू मी इज वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है हाँ दिस माइट बी अ को इंसिडेंस आई कांट डिनाई दैट

बेसिकली इफ़ वी वुड हैव नॉट सीन दिस नेगेटिव कैंडल और निफ्टी इवन अगर ये लेवल के आसपास रहता देन वी वुड हैव सीन अ पॉजिटिव क्लोज फॉर निफ्टी एंड वन दैट वुड है अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड थ्री एट्टी और सो और थ्री सिक्सटी एंड देट वुड पिट इट वेरी क्लोज टू फिफ्टीन फोर हंड्रेड विच माइट हैव बीन अटेम्पटेड ऑन मंडे बट एज ऑफ नाउ वो प्लान फॉल कर दिए जब निफ्टी सौ पॉइंट एक ही कैंडल में गिर गया पाँच मिनट के अंदर सो दिस इज वॉट माई ओवरऑल व्यू ऑन टूडेज मार्केट इज अगर हम बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट्स की लोन एंड के नंबर्स आ रहे हैं बैंक्स के सो आई विल हाईलाइट दिस बैंक एंड डिपॉजिट ग्रोथ नंबर इसके कारण मे बी वी माइट सी मूवमेंट्स इन बैंक्स और उसी के कारण मे बी वी सो दैम आउट परफॉर्मिंग अभी डेट डे uh, uh, कितने बजे आने वाला है टाइम मुझे नहीं पता बट मैंने सिर्फ देखा था Uh, एक और चीज है आज सवा छः बजे सो इन जस्ट लिटिल ओवर ओवर एन आवर आफ्टर दिस हम लोग देख सकते हैं दैट जेरोम जेरो फेड के जो चेयर हैं वो स्पीच देने वाले हैं सो मे बी उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है फेड की मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट आने वाली है आज एक्सपेक्टेड है सो इफ दैट कम्स मे बी दैट ऑल्सो चेंजेस सम सेंटिमेंट्स इन द मार्केट्स एंड द रीजन वाई एम सींग दिस इज बिकॉज आज अगर आप देखते हो यू एस थर्टी डाउजोन्स को अगर ऑब्जर्व करते हो दैन देर वर मैनी इंस्टेंसिस जब यू एस थर्टी और हमारा एंड निफ्टी साथ, साथ में चल रहे थे एन आई टॉक अबाउट एस्पेशली दू नो रिवर्सल पॉइंट्स लाइक दिस वन दिस वन छोटे छोटे रिवर्सल इवन दिस वन इवन दो द रिर्सल नॉट बिग देसाइड विथ डी जे आई अगर हम एक और चीज़ की बात करें तो यू एस मार्केट्स मंडे को शर्ट है और इसके कारण इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि निफ्टी मे लैक डायरेक्शन ऑन मंडे अगेन फॉर द वेरी सेम रीजन अगर निफ्टी जो uh, जिस चीज़ को फॉलो करता है कभी कभी अगर वही चीज़ नहीं है देन मे बी डायरेक्शन लेस मार्केट देख सकते हैं दिस इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व वेन इवन फुट सी एन ऑल आर शाट सो मे बी ये ये केस में भी हो सकता है एंड फाइनली मेरा ये जनरल मार्केट uh, के ऊपर ये एक थाट था दैट इवन दो द फंडामेंटल्स एंड द इकोनॉमिक डेटा हैज इन चेंज दैट मच राइट right, हम लोग जो देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर है हायर रेट्स है ओवरऑल uh, जो डेट डेट इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेबल कंडीशन देख रहे हैं राइट नाउ बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द सिनारी दैट माइट बी डिफरेंट एंड दैट माइट नॉट चेंज इन दू नो वेरी सून वेरी शॉर्ट टर्म फ्यूचर पर एक चीज़ मैंने जो देखी है इन माई रेलिटिवली शॉर्ट एक्सपीरियंस इसकी मार्केट हमेशा न्यूज़ और सेंटिमेंट्स पर जाता है जब वो गर्म होता है जब वो हॉट होते हैं

उस समय में भी वी वर एबल टू सी अ स्पेक्टेक्युलर रिकवरी आफ्टर अफ ऑल मे बी दिस कुड बी हेरिड टूवर्ड समथिंग लाइक दैट अब वो स्पेक्टैक्युलर रिकवरी कब होगी क्या होगी कि नहीं वो भी नहीं पता वन लेवल आई कुड मेक आउट इज दिस वन विच इज वेर निफ्टी इज एट अनादर लेवल इज दिस वन विच इज अराउंडोर्टीन टू हंड्रेड के आसपास सो लेट सी आई वुड कीप माई आईज ऑन दिस लेवल ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव बट आई डू फील कि जितना पैसिमिजम अभी लग रहा है मार्केट में मे बी मार्केट इज़ ट्राइंग टू से दैट ठीक है भाई रात गई बात गई न्यूज़ हो गया समझ में आ गया मे बी इट इज़ टाइम टू मूव ऑन एंड दिस इज मे बी इट इज़ विशफुल थिंकिंग मे बी इट इज़ एक्सेसिव ऑप्टमिज्म बट इसलिए मैं आपको सीधा सामने से ही बोल रहा हूँ देट ठीक है दिस इज माई व्यू ऐसा हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ एंड फॉर दैट आई एम ऑल्सो रेडी इट्स नॉट दैट मैं बोलूँगा कि ठीक है जितने भी पैसे हैं डाल दो मार्केट के अंदर बिकॉज मार्केट ऊपर ही जाएगा दैट्स नॉट द Uh, thing that you should take from this but what you should be taking is ki market ko objectively hai. just because it has gone down this much uh, up till now does not mean that it can't recover and just because it uh, can recover does, does not mean that it will so mera view wo rahega uh, and yeah see you in the rest of the videos that we will be posting over the weekend. make sure you are subscribed and by the way uh, agar aap podcast sun reo, then this is going to be the first podcast episode that i've posted in Around one year. So, uh, welcome back to the podcast, I guess. And yeah, I look forward to posting a lot more. See you in the next one again. Notes are there on Twitter and in, on the YouTube community. See you in the next one. Happy trading and happy analysis.